आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको या आपके किसी परिवारजन को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और उसे होम क्वारंटाइन एडवाइस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से जो माइल्ड कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं उनको घर पर ही ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो घर पर आपका ख्याल रखने में मददगार होंगे। आपके डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे और ठीक होने में फ़ायदा होगा। हम इस समय कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जिससे आपकी रिकवरी अच्छी और स्पीडी हो सकती है। होम क्वारंटाइन में अपना ख्याल रखते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक डेली रूटीन अपना बनाए रखें। समय पर उठें, स्नान करें, थोड़ा घूमें फिरें और समय पर खाना खाएं। एक रूटीन बने रहने से उदासीनता नहीं होगी और इससे आपका शरीर और आपका मन दोनों ही फ्रेश महसूस करेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, खाने का ध्यान रखिएगा। एक बैलेंस्ड डाइट रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि खाना संतुलित होना चाहिए, ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या मसालेदार चीज़ें या बहुत आइसी कोल्ड चीज़ें ना खाएं जो आपके गले को इरिटेट कर सकती हैं। समय समय पर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहिए। चाय, सूप, दूध, गरम दूध, हल्दी, तुलसी, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। जब आप आराम कर रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप बहुत देर तक अपने कमर के बल पर ना सोए रहें। हम जानते हैं हमारे फेफड़ों का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमारी कमर की तरफ होता है, तो शरीर में ओंधा लेटना या टमी पर लेटने की वजह से आपके लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड होंगे। और रेस्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आप बीच बीच में अपने पेट के बल सोएं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करें। पर यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप पेट के बल ना लेटें। अपने फेफड़ों को सही रूप से सुचारू रखने के लिए और इन्फेक्शन का असर कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर सकते हैं, बलून की मदद से भी कर सकते हैं और स्पायरोमीटर की मदद से भी कर सकते हैं। बीमारी की वजह से गले में हो सकता है थोड़ी सी खराश महसूस हो या दर्द महसूस हो, उससे राहत पाने के लिए और वायरस का लोड कम करने के लिए नमकीन पानी के गरारे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद करें या बीटाडीन के गरारे करें। बीटाडीन एक तरह से एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। इससे गले में वायरल लोड कम होता है और बीटाडीन गार्गल्स प्रिपेयर करने के लिए 1 पोर्शन बीटाडीन और 3 पोर्शन पानी को मिलाकर 1 मिनट तक गार्गल्स करें। इससे आपके गले को बहुत सुकून महसूस होगा और गार्गल्स करने के बाद 15-20 मिनट तक कुछ खाएं या पिए नहीं ताकि उसका असर गले में बना रहे। इन्फेक्शन से ठीक होने के लिए मन के पॉजिटिव होने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। घर पर रहते हुए आप ज़्यादा नेगेटिव खबरें ना सुने, ना ही कोविड-19 के बारे में हो रही डेथ्स या उससे रिलेटेड बुरी खबरों के बारे में पढ़ें। बेहतर रहेगा आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, पहेलियाँ बुझा सकते हैं या आप कोई कार्ड गेम खेल सकते हैं घर पर बैठे हुए। अपने परिवारजनों से फ़ोन या वीडियो चैट के द्वारा कनेक्ट होइए, इससे आपकी रिकवरी में बहुत फ़ायदा होगा। आपने सुना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। घर पर अपनी सेहत को मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर बेहतर है आपके पास छोटा इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और पल्स रेट चेक करने के काम आता है। ये थर्मामीटर है, नॉर्मल ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है, बट कन्वेंशनल थर्मामीटर भी अगर आपके पास है तो सही है। और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन अगर है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपना तापमान, अपना ऑक्सीजन और अगर ब्लड प्रेशर की मशीन है तो ब्लड प्रेशर चेक करना है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आप डॉक्टर को या नर्स को जो आपकी सेहत को मॉनिटर कर रहे हैं घर पे, उनके लिए आसान हो आपकी सेहत के बारे में जानकारी लेना और आपके लिए सही दवा देना। पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह का होता है, इसको कुछ बातों का ध्यान रखें कि तो एक अप्रोप्रिएट फिंगर जिसका नेल सही है, जिस पे नेल पेंट नहीं लगा हुआ है, आप उसको इसमें डालेंगे और नॉर्मली ऐसे ऑन कर देंगे। इसको थोड़ा सा समय दें ताकि वो स्टेबलाइज हो सके और जब अच्छे से वेवफॉर्म आने लगे उस टाइम की रीडिंग को लीजिए, ना कि शुरुआत की रीडिंग को। तो नॉर्मली हमारी ऑक्सीजन रहती है 95% से 100% तक। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के कम है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको
डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक और भी बेहतर तरीका है इसको और अच्छे से जांचने के लिए कि आप ऑक्सीजन सेचुरेशन 5 या 6 मिनट की वॉक के बाद चेक करें। इससे आपके शरीर में अगर थोड़े से भी बीमारी के लक्षण बढ़ रहे हैं तो उसका समय रहते पता चल जाएगा। इसको हम कहते हैं 5 और 6 मिनट्स वॉक के बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना, जो कि रेस्टिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन से बेहतर रहती है। घर में आपका जब ख्याल हो रहा है कुछ बातों का ध्यान रखें जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। जैसे अगर आपका टेम्परेचर 101 के ऊपर लगातार 3 दिन से चल रहा है और पैरासीटामोल आदि लेने से कम नहीं हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 के नीचे है, अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 25 के ऊपर है, अगर आपकी पल्स ऑक्सीमीटरी में ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के नीचे है, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है या ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी नई चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आप डॉक्टर से फिजिकली जाके या वीडियो कंसल्टेशन के सहारे सलाह ज़रूर ले लीजिए। होम क्वारंटाइन करते समय क्या ना करें? पहली बात तो ये है कि आप अपना घर या कमरा ना छोड़ें अनटिल अनलेस ये मेडिकल रीज़न से ज़रूरी ना हो। स्पिट ना करें, मास्क पहने रखें अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपके कमरे में कोई आ रहा है तो, इससे दूसरे को इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल मिनिमल हो जाएगा। अपने कपड़े, तौलिया, टूथब्रश, खाने के बर्तन शेयर ना करें, और जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो होम क्वारंटाइन को ख़त्म ना करें। मुश्किल वक्त में जो चुनौतियाँ होती हैं वो हमें और स्ट्रॉन्ग करती हैं। COVID-19 का इन्फेक्शन भी एक ऐसी ही चुनौती है और इस पर हम ज़रूर विजय पाएंगे और स्ट्रॉन्गर होकर बाहर निकलेंगे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।